हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। तो आज ना मैं बना रही हूँ मोतियों का जो है पोचू, मोतियों से पोचू बना रही हूँ। जैसे ब्लाउज वगैरह पे, वेडिंग वगैरह पे आप पहन सकते हो, किसी भी साल स्वेटर के ऊपर भी इसे डाल सकते हो, ब्लाउज के ऊपर भी डाल सकते हो, किसी भी ड्रेस के ऊपर भी डाल सकते हो। ये मैं बहुत सारे मोतियाँ लेकर आई थी, तो यहाँ पे मैं नैनोल का धागा ले रही हूँ, उसके मतलब बड़े साइज में कट करके रख लूँगी। तो अभी मैं प्रॉपर वैसा सेटअप बना के बैठ के वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं यहीं पे अपने बेड पे ही बैठ के वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है मुझे, ठंड हो रही है तो इसीलिए मैं यहीं पे वीडियो बना रही हूँ। तो इसको ना एक बड़े साइज़ में आपको इस तरीके से कट करके दो धागे निकाल लेने हैं। उसके बाद आपको फर्स्ट में चार मोतियाँ डालनी हैं, और ऐसे ना चैन सी बनती जाएगी। फर्स्ट में आपको चार मोतियाँ डाल के, और जो लास्ट वाली मोती होगी ना, उससे बस आपको मोती के अंदर धागा डाल के आपको क्रॉस करना होगा, और ऐसे ना एक चैन सी बनती जाएगी। अभी मैं आपको दिखा दूंगी। तो पहले आपको एक अपने गले के अकॉर्डिंग लंबी सी चैन बनानी होगी मोतियों से, फिर उसके बाद यही प्रोसीजर आपको दूसरी मोतियों के साथ करके इनके साथ ना अटैच कर देना है। फिर वो जितनी भी मोतियाँ बनेगी ना, अलग अलग से बनेगी। मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो मैं दिखाती हूँ। मैंने सबसे पहले चार मोतियाँ यहाँ पे डाल रही हूँ, आप अच्छे से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो दो मैंने धागा लिया है, अलग अलग नहीं, एक ही धागा लिया है। लास्ट वाले को फोल्ड कर दिया है मैंने, एक ही धागा को कट किया है, मैंने अलग अलग धागा नहीं लिया है। तो मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। इसी धागे में आपको दो साइड से ओपन करके इनमें चार मोतियाँ पिरोनी है। उसके बाद जो लास्ट वाली मोती होगी, उसको नैनोल को आपको मोतियों के अंदर से बस निकालते जाना है, और फिर जब चार मोतियों का हो जाएगा, उसके बाद आपको सिर्फ तीन तीन मोतियों के साथ यही प्रोसीजर आपको लास्ट तक करना है, जितना बड़ा आपके गले का साइज होगा। ओके, तो आपको इस पोचू को बनाने के लिए आपको तीन साइज़ की मोतियाँ लेनी होगी, एक सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये मेरा लास्ट वाला था, और जो सबसे बड़ा वाला साइज़ था वो मुझे कम पड़ गया, तो मैंने छोटे वाले मोतियों से ही बना दिया, ये वाली साइज़ से। तो तीन साइज़ मेरे पास मोतियाँ थी, लेकिन जो सबसे बड़ा साइज़ था ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम था, तो जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाई। जो मैं चाहती थी कि इक्वल साइज़ आए, तीनों के साइज़ जो है मुझे बराबर चाहिए थे, एक बड़ा, एक छोटा, फिर एक उससे छोटा, लेकिन जो बड़ी वाली मोती थी मुझे कम पड़ गई। तो कोई बात नहीं, और इस तरीके से मैंने अपने गले के साइज़ का चैन बना लिया है। और इसी तरीके से आपको गिनती के हिसाब से आपको कितना लेंथ रखना है, जो आपके गले का पोचू होगा उसका कितना लेंथ रखना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और उसके बाद जो आप चैन बनाए रहोगे, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अटैच करना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। ये आपको बनाना है इस तरीके से, ये देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले इसमें चार मोतियाँ पिरोई थी, फिर उसके बाद मैंने तीन तीन मोती करके ऐसे पिरो दिया था। फिर आपको इसका एक सेंटर निकालना है, गिनती से आप बनाओगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। तो फिर देखिए, इस तरीके से मैंने लटकन बनाया है, एक बड़ी मोती के साथ, और उसके बाद छोटी मोती, फिर सबसे छोटी मोती, फिर उसके बाद इसमें इस तरीके से अलग अलग बना के आपको बस इसमें अटैच करते जाना है। तो अब मैं, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे गाइस। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे, भले होंगे, चंगे होंगे। और आज हमारे यहाँ ना मौसम बहुत ज्यादा ही खराब हो रखा है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। अभी मैं कपड़े धो के बाहर डाल कर आई हूँ, और जो सूख गए थे उनको घर में वापस लेकर आई हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ ये मोतियों का जो है माला, देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। और ये वाली जो बड़ी वाली मोती है ना, ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 8 पीस ही था, तो 8 पीस में पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं सारे इसका जो पैटर्न डालना चाहती हूँ वो जो है मैं बना पाऊँ। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, मैंने वीडियोस में आप लोगों को दिखाया ही है। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास दो साइज है, तो मैं उन्हीं दोनों साइज से बनाऊंगी। मैं दिखा देती हूँ, मेरे पास ये वाली साइज है, देन ये वाली साइज है, ये दो साइज ही है मेरे पास, जिससे मुझे इस पैटर्न को कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज ये खराब हो जाएगा। मैं बना रही हूँ मोतियों से पोचू, और पोचू का आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने लिए पोचू बनाऊँ। ऐसी मैंने ऊन की भी पोचू बना रखे हैं अपने लिए, पहले भी कई सारे पोचू वगैरह बनाए थे, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं इस मोतियों से पोचू बनाऊँ, जो कि वेडिंग वगैरह में ना बहुत ज्यादा खूबसूरत जो है ट्रेंड कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, तो इनकी जैसे मैंने यहाँ पे बीच में एक सेंटर तो डाल दिया है, ताकि मुझे सबके साइजेस मिल सके,
और मुझे पता हो कि मुझे कितनी कितनी मोतियों के कितने कितने साइज जो है ना डालने हैं, ताकि वो पोचू का पूरा सेब बन सके। और अब मुझे क्या क्या करना है, मुझे थोड़ी सी ना बहुत सारी मोतियाँ चाहिए, जिससे मैं एक और पोचू बनाऊंगी जो कि मीशो पे 1,000 रुपए का मिल रहा है। उसे मैं सिर्फ और सिर्फ 300 के अंदर बनाना चाहती हूँ। सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए में उस पोचू को डिजाइन करना चाहती हूँ, और पूरा जो है ना ब्लाउज के पैटर्न में बनाना चाहती हूँ। तो देखती हूँ वो कब पॉसिबल हो पाएगा, मुझे नहीं पता। और पोचू बनाना बहुत ज्यादा सिंपल है, और आई होप कि मैंने जितना वीडियोस में आप लोगों को बताया है उतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बनाते हैं, अपना पोचू कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड करने के लिए लगा रखा है, देखते हैं कब तक अपलोड होता है। खाना मैंने लंच में थोड़ा सा ज्यादा सब्जी बना दिया था, मटर पनीर की, और सॉरी आलू मटर की सब्जी बनाई है आज, पनीर बोल रहे पनीर। तो बस रोटियां वगैरह बनानी है शाम को, तो देखते हैं। चलो मैं करती हूँ अपना इसकी पूरी तैयारी, उसके बाद आपको दिखाऊंगी भी और डिटेल में समझा दूंगी कि कैसे बनाए, नहीं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए, मच्छर तो आ गया एक। तो जब बीच में जो आप सेंटर निकालोगे ना, तो आपको छोटे से बड़ा साइज आपको पूरे गर्दन में बनाना है। आप अपने अकॉर्डिंग साइज बना सकते हो, चाहे तो आप इसके साइज इक्वल रख सकते हो। मुझे और बड़ा पोचू बनाना था, लेकिन पोचू के बजाय ये गले का नेकलेस बन गया, देख सकते हो इस तरीके से ये बन गया। लेकिन बनने के बाद आप यकीन मानना, ये बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अब मैं इसको फिर से कट करके ना इक्वल साइज में बनाऊंगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हो गाइस आप लोग? मैंने आज मॉर्निंग से वीडियो स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे कमेंट आ रहा था कि आप डेली वीडियो जो है डेली ब्लॉग शेयर किया करो। मैं डेली ब्लॉग शेयर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोग मुझे डेली देखने के लिए अगर तैयार है तो मैं भी डेली शेयर करूंगी, बट कोई वीडियो देखता नहीं है तो फिर शेयर करके फायदा क्या है। ठीक है, अभी गुड मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, घर के मेरे सारे काम निपट गए हैं। देखो मैं एक बार आपको अपना लिविंग रूम दिखा देती हूँ। ये है मेरा लिविंग रूम, पूरे काम हो गए हैं। ये है मेरा बेडरूम जो कि पूरा नीट एंड क्लीन है, बाकी घर के सारे काम हो गए हैं। और अभी मुझे कपड़े धोने हैं, उससे पहले चलो ये मैं चाय देकर आती हूँ, और एक चाय मैंने बनाई है अपने लिए, तो सबसे पहले पीऊँगी चाय, क्योंकि मैं घर के सारे काम निपटाने के बाद चाय पीती हूँ। ये लो फैन। ओके गाइस, तो इस टाइम पे हमारे बालकनी पर सुबह सुबह ना बहुत अच्छी धूप आती है, उसके बाद तो धूप चली जाती है, थोड़ी देर के लिए धूप टिकती है, ज़्यादा देर के लिए धूप रहती नहीं है। ठीक है, ला कटोरी में चाय चाहिए। बर्तन वगैरह सारा मैंने सब साफ कर दिया है, सारे काम मैंने बता दिए हैं। दो एक मिनट, लो आराम से वहीं पे ले जाओ, मैं भी आ जाऊँ चाय लेके। ले जाओ, तो बाहर बैठ के चाय पीने का मज़ा बिल्कुल अलग है। धूप में मैं चाय मैं भी पीऊँगी बैठ के नीचे, क्योंकि इस समय ना वो अच्छी सी धूप आती है बालकनी पर, उसके बाद चली जाती है। ले आओ यहीं पे, मेरी चाय भी यहीं पे है। तो अब मैं जाऊँगी नहाने चाय पी के, फिर आऊँगी फिर चाय पीऊँगी, क्योंकि ठंड में ना मुझे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचती तो हूँ कि मैं डेली ब्लॉग शेयर करूँ, लेकिन क्या करूँ गाइस, अगर आप लोग मुझे इतना पसंद करते, मेरी वीडियो को डेली देखते, लाइक करते, तो मैं भी डेली जो है ना वीडियो शेयर करती। लेकिन जिस दिन मैं ब्लॉग वीडियो शेयर करती हूँ ना, उस दिन मेरी वीडियो कोई देखता ही नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा ना डिमोटिवेट हो जाते हैं। खैर चलिए, कोई बात नहीं, अभी आज महाराज जी पेपर दे दे के थक गए हैं, तो आज मैंने इनकी छुट्टी करा दी। कल संडे था, मैंने इनके बाल वाल सब कटवा दिए हैं। दिखाओ भाई, थोड़ा दिखाओ, देखो छोटे छोटे बाल करवा दिए मैंने इसके। अभी मेरा फोन लेके बैठा है, तो
तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना लिविंग रूम। ये देखिए ये मेरा लिविंग रूम है, बहुत अच्छे से सब मैंने काम वाम कर दिया है और अब मैं नहा कर आऊँगी, उसके बाद कुछ तैयारियाँ करूँगी और आप लोगों के साथ जो भी वीडियो होगा वो शेयर करूँगी। क्योंकि मेरे को जब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ ना तो मुझे आइडिया नहीं होता कि मैं क्या ही वीडियो शेयर करने वाली हूँ, लेकिन बस हो जाता है। तो चलिए थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं और प्यार दिखाते हैं कि नहीं आप वीडियो शेयर किया करो, हमें अच्छा लगता है आपका डेली ब्लॉग देखना, तो थैंक यू सो मच। और मैं गोवा नहीं गई थी, गोवा तो आज तक मैं नहीं गई हूँ, मेरी किस्मत में अभी जो गोवा का जो लिस्ट है ना वो मेरी ट्रेवल में लिखा नहीं गया है। जल्दी ट्रेवल, हाँ ट्रेवल मैं जानबूझ के बोलती हूँ ताकि अच्छा लगे व्यूवर्स को, कुछ जरूरी नहीं है कि सब चीज परफेक्ट बोला जाए। तो मेरा चाय कबूतर पीड़ा गिरा ही देगा। चलो गाइस चाय पीती हूँ फिर मिलती हूँ, ठीक है। और मैं गोवा नहीं गई थी, ट्रेवल हाँ आ गई, तो मैं गोवा नहीं गई थी। चलो मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में, अभी के लिए बाय बाय। देखो दोस्तों गर्म पानी से तो सब नहाता, ठंडे पानी से नहाने के लिए ना कलेजा चाहिए बहुत। मैं ना ब्रह्म में नहा लिया ठंडे और ठंडे पानी से और मेरी हो गई हालत खराब। कोई बात नहीं, मेरे को ज्यादा वो नहीं रहता है, मैं नहा लेती हूँ ठंड में। और ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने अभी गैप किया हो नहाने को लेके, और मुझे जो है अगर मैं नहीं नहाऊंगी ना तब मैं ज्यादा अजीब सा फील करती हूँ पूरे दिन, मतलब फ्रेश फील नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस दिन कि फ्रेश फील करूँ, इसलिए मैं डेली नहाती हूँ, परमानेंट नहाती हूँ भाई। पानी चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो। और अभी मैंने जला रखे हैं हीटर, थोड़े पैर सेकूंगी उसके बाद बच्चों के लिए कुछ बनाऊंगी। ये देखो मेरा ये लाइट ना पता नहीं कैसे टेढ़ा सा हो जाता है, उसको डेली सीधा करती हूँ। घड़ी की बैटरी ख़त्म हो गई है, अभी 7:15 बाकी है, देख सकते हो। तो घड़ी की बैटरी ख़त्म हो गई है और अभी से ना मैं 2 दिन से घुमा तो रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए। हाँ तो चलो मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए कुछ पकौड़ा वकौड़ा, प्याज के पकौड़े बनाती हूँ क्योंकि मन कर रहा है खाने का, प्याज के पकौड़े और चाय। और पहले लड्डू गोपाल के लिए बनाऊंगी पकौड़े बिना प्याज के, बेसन और नमक मिर्ची डाल के, फिर उसके बाद प्याज के पकौड़े बनाऊंगी, हरे प्याज के पकौड़े, और साथ में बनाऊंगी चाय क्योंकि और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। और मौसम आज ना बड़ा सुहाना सुहाना सा हो रखा है, फ्रेश फ्रेश सा, तो नाश्ता करेंगे, नाश्ता और लंच एक ही समझ लीजिए। तो अच्छे से पेट भर के पकौड़े खाएंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा टहलने वहलने जाएंगे। कई दिन हो गए मैं बाहर नहीं गई हूँ टहलने के लिए, और ये मेरी छुट्टियाँ खुलेगी शायद कल परसों में, देखती है कब को खोलती हूँ मैं इसको। और मैंने घर पे ये ब्रेड्स बनाए हैं। ऑलराइट गाइस, गोवा का नाम सुन के ना मेरे को एकदम गोवा वाली वाइब्स आने लगी, ऐसा मन कर रहा ना कि मैं गोवा चली जाऊँ। और आज भी मैंने ये वाले स्कर्ट पहने हैं, ये सारे मेरे जो है ना विंटर के स्कर्ट है। ये देखिए ये ना कट लग गया था थोड़ा सा यहाँ पे, इसको मैं सही कर दूंगी ऊन से ही, इस कलर का मेरे पास ऊन है, तो बस यही मैंने पहन लिया नहा के फटाफट। ऑलराइट गाइस, तो ये वाला स्वेटर कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट में बताना, इसका कुछ इस तरीके से पैटर्न है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। अभी मैंने इसको ना घुमा घुमा के ठीक कर दिया है, ज़्यादा दिक्कत नहीं दे रहा है अब ये, पहले से बेटर है। और यहाँ जो हमारे यहाँ के पियर्सिंग करने वाले जो भैया है ना वो बहुत मतलब प्रोफेशनल पियर्सिंग करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। हमें तो इनफैक्ट जब उन्होंने पियर्सिंग करी तब पता नहीं चला, लेकिन पियर्सिंग के बाद जो हालत हुई है ना बाय गॉड, मैं बहुत गंदा वाला रोई हूँ वहाँ पे। मतलब बहुत सारे लोग ना मेरे को ऐसा देखने लग गए घूर घूर के कि क्या हुआ लड़की के साथ, अरे इतने तेज तेज चिल्ला के मार्केट में मैं रोने लग गई। तो चलो बनाते हैं प्याज के पकोड़े, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार, मुझे पता है कि हमारे जैसे लोगों को वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता, पता नहीं क्यों क्या कमी रह जाती है, मुझे नहीं समझ में आता। खैर चलिए अपना काम करते हैं, अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, ऐसा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, फल की चिंता मत करिए। जो लोग फल के पीछे भागते हैं
तो वो अपना कर्म करना भी भूल जाते हैं। चलिए करते हैं अपना कर्म आज का, देखते हैं आज का पूरे दिन का कर्म क्या होने वाला है। तो देखो मैं तो हीटर सेक रही हूँ, आओ आप लोग भी सेक लो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ वैसे तो मैं नहीं सेकती हूँ, लेकिन बर्तन धोकर आई तो सेक लिया, हाथ सेक लिया थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब मैं काम करती हूँ ना तब मैं बिल्कुल ठंड को ना महसूस करती हूँ ना फील करना चाहती हूँ, बस फटाफट सारे काम कर लेती हूँ। तो चलिए बनाते हैं आज का खाना पीना और उसके बाद मिलती हूँ, बाय। पकोड़े। सो गाइस हमारी पकोड़े की प्रिपरेशन हो चुकी है, पहले मैं बनाऊंगी लड्डू गोपाल के लिए पकोड़े, उसके बाद फिर अपन लोग के लिए बनाएंगे। तो चलिए फटाफट भोग बनाते हैं, यहाँ पे बन रही है हमारे तो मैंने एक तरफ रख दिया है चाय भी बनने के लिए साथ के साथ, क्योंकि पकोड़ों के साथ ना मेरे को चाय बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पे पहले मैं ब्रेड पकोड़ा बना रही हूँ लड्डू गोपाल के लिए, उसके बाद बनाएंगे अपन लोग के लिए, ठीक है। तो आ जाओ आप लोग भी ब्रेड पकोड़े का मजा ले लो, ठीक है। ओ ये चम्मच ने तो नाक में दम कर दिया है। तो मेरे काम जो है ना फटाफट वाले होते हैं, फटाफट यहाँ पे बन रहा है ब्रेड पकोड़ा, आइए आप लोग भी इंजॉय करिए ब्रेड पकोड़ा और क्या, चाय साथ में ब्रेड पकोड़ा, प्याज के पकोड़े। मैंने हरे प्याज भी काट लिए, आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने हरे प्याज भी काट लिए हैं, कुछ मैंने बनाने हैं हरे प्याज के पकोड़े, कुछ मैंने बनाने हैं ब्रेड के पकोड़े, कुछ मैंने बनाने हैं नॉर्मल पकोड़े। चलो गाइस बाय बाय, मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग, मैं भी अच्छी हूँ। मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं ना अपना टोपा टोपी उतारूँ, बहुत ज़्यादा ही मेरे को ऐसा ना इचिंग सी मच रही है टोपी के अंदर। अभी मैं आ गई हूँ मार्केट से, मैं कुछ लड्डू गोपाल के लिए ठंड का सामान लेने के लिए गई थी। अभी आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई हूँ, उससे पहले मैं दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय शाम की, इवनिंग की, और अपने लड्डू गोपाल का भोग बना रही हूँ। देखो तो आज पकोड़े खा के तो बहुत मजा आया, और कुछ खाया नहीं, बाहर जाके हमने समोसे खाए, बाहर जाके चाय पिया, और उसकी हमने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि ये वाला फोन मैं लेके नहीं जाती हूँ। जब मैं टहलने के लिए जाती हूँ मैं एक ही फोन लेके जाती हूँ, क्योंकि एक दिन मेरा फोन चोरी होने से बच गया था, तो इसीलिए मेरे को बहुत अच्छा खासा सबक मिला, उसके बाद से मैं नहीं लेके जाती। तो चलो देखो चाय मेरी बन रही है, और आज मैं ये वाला स्कर्ट और ये वाला पहन के गई थी मार्केट में। तो चलो चाय पीते हैं, उसके बाद आपको दिखाती हूँ मैं क्या ही कुछ लेकर आई हूँ। मेरे को चाय पीने, बाहर से मैं चाय पी कर आई हूँ, लेकिन फिर भी मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। ये लड्डू गोपाल के कुछ सामान लेकर आई हूँ मैं। तो चलो पीते हैं चाय पार्टी, और ये अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं लड्डू गोपाल के लिए क्या लेकर आई। और ये कुछ मोतियाँ लेकर आई जो कि कम पड़ गया था, और जिससे लेकर आई थी ना वो जो मोती मैं पिछली बार लेकर आई थी ना वो वाली मोती मुझे मिल नहीं रही है, क्योंकि मुझे वही वाली मोती चाहिए थी। ये पता नहीं कौन सी वाली दे दी है भैया ना, कुछ और बना लेंगे। और ये मैं लेकर आई हूँ कुल्हड़, आज पियेंगे हम कुल्हड़ में चाय, कुल्हड़ वाली चाय, आई लव कुल्हड़ वाली चाय गाइस। तो चलो यहाँ पे ना बहुत तेज की ऐसी मिचमिची सी मच रही है, तो चलो देखो मैंने ना यहाँ पे हीटर जलाया है, तो अभी थोड़े से पैर सेकूंगी, थोड़ी देर बैठूंगी। ये कैसा चुभ रहा है, ओके कुछ तो हाँ। और मेरा जो कल का काम था ना वो थोड़ा सा भी कंप्लीट हुआ है, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो इसे भी मुझे बनाना है, इसी के लिए मैं मोतियाँ लेने के लिए गई थी, जैसा चाह रही थी वैसा मिला नहीं। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को ना, तसल्ली से दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। अभी के लिए थोड़ी देर के लिए बाय, चाय वगैरह पी के तब मिलती हूँ, बाय बाय।
छोटा प्लेट। सो गाइस आज हम कुल्लड़ में चाय पियेंगे, कुल्लड़ वाली चाय, कुल्लड़ वाली चाय, मजा आ जाएगा कुल्लड़ में चाय पी के। तो चलो नीचे मैं थोड़ा सा ना गार्ड अंकल को चाय भेज रही हूँ। वो धागा देख के जाना ठीक है। ले भाई चाय ले अपनी, आराम से आराम से चाय लो। नहीं कुल्लड़ में तुम नहीं पी पाओगे बेटा, नहीं पी पाओगे कुल्लड़ में चाय। लो बिस्किट कैसे खाओगे बेटा, उसमें जरा सी चाय आएगी। ठीक है पहले उसको तो खाओ, लो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। आ रहा है बनारस जैसा फील कुल्लड़ में चाय पी के। आओ तो तुम पहले आओ। आ रहा फील, थोड़ी सी बची थी इसमें डाल ली है मैंने। आ रही कुल्लड़ जैसी फील। लो हाय हाय, ऐसे पकड़ते ऐसे पकड़ते। हाँ अभी तो मेरे हाथ में कुछ है ना। पहले मैं फोन रख ना, ऐसे ऐसे ना नीचे से छोटा सा फिर ऊपर जाते जाते हाँ, ना ऐसे बड़ा हो जाता, बड़ा हो जाता है। और जो उसकी थिकनेस होती है ना बिल्कुल पतली से कुल्लड़ बनाते हैं वो लोग, इस वजह से ना वो बिल्कुल लाइट वेट लगता, लाइट वेट लगता है। और ये ना ऐसे लंबे में बनाते हैं, वैसे ऐसे नहीं बनाते वो। लेकिन लग रहा वही चाय कुल्लड़ में चाय तो ऑब्वियसली टेस्ट ऐसे ढेसा ला के रख देंगे। अच्छा कहते ना एक कच्चा वाला कुल्लड़ है इसलिए इसमें ऐसी सेम। अब इसको हम पका के एक अलग बर्तन में पका के जब चाय छान के देंगे पापा को। ये देखो मच्छर भर गया यार एक मिनट में, देखिए इसको बहुत लोग हीट करने के, बहुत लोग हीट करने के बाद हाँ जैसा वहाँ पे पिलाया था जब हम शिमला जा रहे थे यार। इसको ना गैस पर रख दो कि गर्म हो जाएगा, इसमें चाय डाल दो फिर इसके ऊपर पूरा चाय ना इसके अंदर पूरा डुबा बन के। हाँ पूरा हाँ